अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर विंटर वेकेशन एंड कंप्लीट योर विंटर वेकेशन वर्क एंड ऑल्सो कंप्लीट योर होमवर्क। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट स्कूल इज़ ऑफ ड्यू टू COVID-19। You must take proper precautions about COVID-19. Use hand sanitizer, wear mask, keep distancing from others 6 to 3 feet. Students, kindly complete your work in neat and clean writing. Don't mess up with on your copy. Last time हम लोगों ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को उनके बारे में बताया था। नाउ आज हम उस सबक का काम करेंगे उस सबक के सवाल जवाब और कॉलम है एक, वो हम उसमें काम करेंगे और वो काम हम कॉपी में करना है। काइंडली स्टूडेंट्स कि आप लोग अपना काम सफाई से करें ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो कि क्या लिखा हुआ है, और आप लोग अपना काम सीक्वेंस में करें, जिस चैप्टर को समझाया गया है उसी चैप्टर का काम आगे करें। चैप्टर आगे पीछे, सवाल जवाब आगे पीछे नहीं करें, बल्कि ध्यान से देखकर कॉपी में काम करें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और काम आप लोगों ने ख़ुद करना है, सिबलिंग से नहीं करवाना काम। नाउ कम टू द टॉपिक, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी वालदा का नाम क्या था, उन्होंने कितनी शादियां की थी और उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे शादी की, ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की एक मुअज्ज़ज़ और मालदार खातून थीं। आप आमुल फील से 15 साल कबल 555 ईस्वी कुरैश के कबीला बनी असद में पैदा हुईं। आपके वालिद का नाम खवैलद बिन असद और वालदा का नाम फातिमा बिनते ज़ाहिदा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद कुरैश के नहायत दौलतमंद ताजिर थे। वह अपनी ज़हानत और मामला फहमी की वजह से कुरैश में इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहली शादी अबू हाला बिन नबाश तमीमी से हुई। उनसे दो लड़के हिंद और हाला पैदा हुए। अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दूसरी शादी अतीक़ बिन आयद मखज़ूमी से हुई। उनसे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था। कुछ अरसे बाद इनके दूसरे शोहर का भी इंतकाल हो गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वफात के बाद अपने वालिद के कारोबारी तिजारत को उम्दा तरीक़े से संभाला। वो पढ़ना लिखना भी जानती थीं। हज़रत खदीजा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत सुनी तो आपसे दरख्वास्त की कि मेरा माल लेकर तिजारत करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो गुना मुआवजे की पेशकश की, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और माल तिजारत लेकर मुल्क शाम रवाना हुए। हज़रत खदीजा ने इस सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए अपना ग़ुलाम मैसरा को साथ भेजा। मैसरा ने वापस आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत और सदाकत का हाल बयान किया, जिससे मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेज दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ मशवरे के बाद आपसे निकाह का फ़ैसला कर लिया। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 बरस थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली खातून हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले ईमान लाई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब ताहिरा और कुन्यत उम्मे हिंद थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना तमाम माल दीन की तबलीग के लिए यतीमों बेवाओं की खबरगिरी करने में सर्फ कर दिया।
शायब बिन अबी तालिब में महसूरी के दौरान मुसलमान इंतहाई अजियत से दो चार थे, दरख्तों के पत्ते खाकर अपना गुजारा करते थे। इन हालात में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ा सहारा साबित हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कोई बात की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खदीजा मुझ पर इस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मेरा इनकार किया और उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुठलाया, और उसने अपने माल के साथ उस वक्त मेरी मदद की जब लोगों ने मुझे महरूम किया, और अल्लाह ताला ने इससे मुझे इस उम्र में औलाद दी जिस उम्र में औरतों को औलाद नसीब नहीं होती। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर काम आज भी सलीका से करती थी। मालदार होने के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम काम अपने हाथ से करने में खुशी महसूस करती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा से बेइंतहा मोहब्बत थी। आपने इनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब घर में कोई जानवर ज़िबा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी सहेलियों के पास गोश्त भिजवाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाया, आलम में अफजल तरीन औरत मरियम और खदीजा हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो बेटे और चार बेटियां अता की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। दोनों बेटों का कम सने में इंतकाल हो गया था। बेटियों में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़य्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलथूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद थी। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मुख्तसर सवाल जवाब। मुख्तसर सवाल जवाब आप लोगों ने कॉपी में करना है और आप लोग याद भी करते रहिएगा तो ये आप लोगों के लिए आसानी है कि आप लोग याद कर करके ये काम कर रहे हो ताकि आगे जाके आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये काम अपना सफाई से करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। सवाल नंबर एक, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले और दूसरे शोहर का नाम बताएं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दो शादियां और की थीं। तो जवाब है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शोहर का नाम अबू हाला बिन नबाश और दूसरे शोहर का नाम अतीक बिन आयज मखज़ूमी था। सवाल नंबर दो, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़ज़ीलत पर एक हदीस लिखें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल बहुत थे स्टूडेंट्स, लेकिन उनकी फ़ज़ीलत पर एक हदीस लिखनी है। तो जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फ़रमाया, वो ब्रैकेट में खदीजा मुझ पर इस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मेरा इनकार किया और उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुठलाया और उसने अपने माल के साथ उस वक्त मेरी मदद की जब लोगों ने मुझे महरूम किया और अल्लाह ताला ने उससे मुझे इस उम्र में औलाद दी जिस उम्र में औरतों को औलाद नसीब नहीं होती। यह हदीस मुसनद अहमद की है। स्टूडेंट, हज़रत खदीजा की एक फ़जीलत यह है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली ख़वातीन मर्दों बच्चों में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली खातून थी। उसके बाद बारी बारी लोग दारा इस्लाम में दाखिल होते रहे। तो जब लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया तब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनका साथ दिया, उन पर उनकी हर बात पर ईमान लेकर आई कि हाँ, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ भी धोखा नहीं करते, हमेशा सच बोलते हैं, आपकी वाली बात भी सच्ची है, मैं आपके खुदा पर ईमान लाती हूँ।
और हज़रत खदीजा ने अपने माल के साथ भी मदद की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब लोगों ने उनसे उनका माल छीन लिया। शुएब अबी तालिब में मैसूरी के दौरान मुसलमान इंतहाई इज्जत से दो चार थे, दरख्तों के पत्ते खाकर अपना गुजारा करते थे। इन हालात में हज़रत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ा सहारा साबित हुई। वो हर मुश्किल वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददगार और गमगुसार थी, और अल्लाह ताला ने उससे मुझे इस उम्र में औलाद दी जिस उम्र में औरतों को औलाद नसीब नहीं होती। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र इतनी हो गई थी कि वो आम औरतों की भी उम्र इतनी हो जाए तो औलाद नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल से हज़रत खदीजा को औलाद से तब नवाजा जब औलाद नहीं होती इस उम्र में औरतों के। स्टूडेंट्स, ये दो सवाल हैं। पहला सवाल है हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पहले और दूसरे शोहर का नाम बताएं। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शोहर का नाम अबू हाला बिन नबाश और दूसरे शोहर का नाम अतीन बिन आयत मखसूमी था। आप लोगों ने ये काम सफाई से अपनी कॉपी में करना है, गंदा नहीं करिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों की सफाई से कॉपी हो तो कॉपी मार्क्स भी आप लोगों को मिलते हैं। अगर आपकी सफाई नहीं होगी कॉपी में और सफाई से काम नहीं लिखा हुआ होगा तो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अपनी कॉपी में गोच पोच नहीं करें, मतलब मैसअप नहीं करें। तो इस तरह से आपकी कॉपी जो है वो सही रहेगी और अच्छी रहेगी और आपको मार्क्स मिलेंगे और आप लोगों को भी आपका काम समझ में आएगा कि आप लोगों ने क्या लिखा है इस कॉपी में, ताकि टीचर को भी खुशी हो कि उसने अपने बच्चे को इतने अच्छे से समझाया कि उसने अपना काम बहुत अच्छे और सफाई से किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना काम सफाई से करेंगे। सवाल नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो औरतों को आलम की अफजल तरीन औरतें करार दिया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो औरतों को आलम की सबसे अफजल तरीन औरतें करार दिया? तो जवाब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलम में अफजल तरीन औरत मरियम और खदीजा हैं। और ये हदीस सही बुखारी की है। मैं हदीस के साथ साथ हवाला भी लिखती हूँ और आपकी बुक में भी ये हवाला लिखा हुआ होता है ताकि इसे पता चले कि ये एक ऑथेंटिक हदीस है। हाँ, यही हदीस सही है, बाकी कोई हदीस नहीं है जिस हदीस के साथ उसका हवाला लिखा हुआ हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आला व अफजल तरीन औरत मरियम और खदीजा तुलकुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। सवाल नंबर 4, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद के नाम लिखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा से अल्लाह ताला ने कितनी औलाद अता की थी, उनके नाम लिखने। तो जवाब है, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद के नाम दर्ज ज़ैल है। नंबर 1 हज़रत कासिम, नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला। दो बेटे जो थे उनकी पैदाइश हुई तो उन्होंने थोड़ा सा परसा पैदाइश का गुजारा, उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्म कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़य्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ और 2 बेटे थे। सवाल नंबर 5 है, आमुल हुज़ून के क्या मायने हैं? आमुल हुज़ून के क्या मायने हैं? जवाब, आमुल हुज़ून के मायने हैं गम का साल। गम का साल इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इसी साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 करीबी साथी इस दुनिया से रुख्सत फरमा गए थे। पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जिनसे वो अपना हाल बयान करते थे हज़रत अबू तालिब, और दूसरे उनकी जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे उनकी जोजा हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक ही साल में दुनिया से रहलत फरमा गए थे, तो इसलिए उस साल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल आमुल हुज़ून करार दिया।
स्टूडेंट्स अब है तफसीली सवाल जवाब। सवाल नंबर एक हमारे पास है, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल पर एक जामे मज़मून लिखें। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के क्या फ़ज़ाइल थे, उस पर एक जामे मज़मून लिखना है हमने। तो आप लोग सबसे पहले जवाब लिखेंगे, उसके बाद फ़ज़ाइल की हेडिंग डालेंगे। फ़ज़ाइल की हेडिंग डालने के बाद स्टार्ट करेंगे। आप लोग लिखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली खातून हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। आपका लक़ब ताहिरा और कुन्यत उम्मे हिंद थी। आपने अपना तमाम माल दीन इस्लाम की तबलीग, यतीमों बेवाओं की खबरगीरी और हाजत रवाई के लिए वक्फ कर दिया था। शैब अबी तालिब में महसूरी के दौरान में मुसलमान इंतहाई अजियत से दो चार थे, दरख्तों के पत्ते खाकर अपना गुजारा करते थे। इन हालात में हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ा सहारा साबित हुई। वो हर मुश्किल वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददगार और गमगुसार थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, सबसे पहले जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई वह हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, क्योंकि हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर एतमाद और भरोसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन के नाम से जानते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खयानत नहीं करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो वो कैसे अगर उन्होंने कुछ देखा या उन्होंने कुछ सुना तो वो सच ही सुना होगा, वो झूठ नहीं बोलते। इस बिना पर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला का लक़ब ताहिरा और कुन्यत उम्मे हिंद थी। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला के वालिद चूँकि तिजारत क्या करते थे, कारोबार आदमी थे, तो इस तरह से उनके पास दौलत की बहुत रेल पहल थी। इसी दौलत को जो उनके पास जमा थी, उन्होंने अपना तमाम माल इस्लाम को पहुंचाने के लिए, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, यतीमों के लिए और बेवाओं की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, और जो भी हाजत होती थी या जो भी कोई मसला होता था उसको पूरा करने के लिए अपना माल लोगों में सर्व कर दिया। शेब अबी तालिब में मशहूरी के दौरान मुसलमान इंतहाई अजियत से दो चार थे। जब वो एक कमरे में रह रहे थे तो दरख्तों के पत्ते खाकर अपना गुजारा करते थे। उस हालात में भी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ा सहारा साबित हुई। उस वक्त भी हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने तमाम माल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और मुसलमानों में खाना तकसीम किया और उनकी हौसला अफज़ाई की। वो हर मुश्किल वक्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया उनके दौर में, जब भी कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी आई तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहीं और उनका सबसे बड़ा सहारा साबित हुई। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का पहला तफसीली सवाल है। आप लोगों ने सवाल लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने जवाब की हेडिंग जवाब डालना है, और उसके बाद आप लोगों ने फ़ज़ाइल की हेडिंग डाल के आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल लिखने हैं और सफाई से लिखने। स्टूडेंट मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, और आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, और अपना सफाई से काम करना है। आप लोगों ने अपना काम खुद करना है, दूसरे से नहीं करवाना। जितना आप कॉपी को साफ़ रखेंगे उतने ही अच्छा इम्प्रेशन आपका पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा सफाई पसंद बच्चे हो और अच्छे बच्चे हो और आप अपना काम अच्छे से करते हो। तो आप लोगों ने सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर करना है, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, देन उसके बाद आप लोगों ने ये सवाल नंबर एक तफसीली सवाल का सवाल नंबर एक करना है। अभी हमारे ये ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी है सवाल जवाब इसका। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर के काम काज भी
बहुत सलीक़े से करती थी। मालदार होने के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम काम अपने हाथ से करने में खुशी महसूस करती थी। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, खदीजा बर्तन में खाने और पीने के लिए कुछ ला रही हैं, आप उनको उनके रब का और मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। उनको जन्नत में एक ऐसा घर मिलने की बशारा सुना दीजिए जो मोती का होगा और जिसमें शोर गुल और मेहनत और मशक्क़त ना होगी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो वाहिद खातून हैं जिनकी तरफ से अल्लाह ताला ने अपना सलाम पहुंचाया, जिनको फरिश्ते भी सलाम करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत थी। आपने इनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब घर में कोई जानवर ज़िबा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी सहेलियों के पास गोश्त भिजवाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, अकीदत थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि वो उनके रिश्तेदारों का भी, जो उनसे नस्बत रखते थे लोग, उनका भी ख्याल रखते थे, उनकी सहेलियों का ख्याल रखते थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतनी मोहब्बत थी कि उनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ का मामूल बना लिया, या अपना मामूल बना लिया कि जब भी घर में कोई जानवर ज़िबा होता तो वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के घर ज़रूर जाता। तो इस तरह स्टूडेंट हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल थे और उनका मर्तबा था, जो जिनको अल्लाह ताला ने सलाम भिजवाया, पहली खातून जिनको अल्लाह ताला ने सलाम भिजवाया, फरिश्ते ने सलाम भिजवाया, वो पहली खातून जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, वो खातून जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल में उनका सहारा बनी, उनकी मदद रही, उनके गम गुसार रही, वो मुसलमान खातून जिनके पास माल व दौलत होने के बावजूद भी हर काम अपने हाथ से करने में खुशी महसूस की, वो खातून जो जिनको अल्लाह की तरफ से सलाम आया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और यही वजह थी कि उनकी ज़िंदगी में भी उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई दूसरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। और वह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस कदर अकीदत करते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई जानवर ज़िबा होता था उनकी सहेलियों के पास गोश्त भिजवाते थे। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का एक तफसीली सवाल था, सिर्फ एक ही तफसीली सवाल है, सवाल नंबर एक, ठीक है, और नहीं है। तो आप लोगों ने ये काम कॉपी में करना है। पहले आप लोग चूज़ द बेस्ट आंसर करेंगे, देन उसके बाद आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मुख्तर से सवाल जवाब करेंगे जो मैंने 5 करवाए आपको, फिर उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैंने एक ही करवाया है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल, तो आप वो काम करेंगे, फ़ज़ाइल की हेडिंग डालेंगे, देन उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करेंगे जो कि फ़ज़ाइल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल से, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब घर में कोई जानवर ज़िबा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सहेलियों के पास गोश्त भिजवाते थे। ये आप काम है और आप लोगों ने इस काम को ध्यान से करना है, सफाई से करना है, मैस अप नहीं करना कॉपी में, बिल्कुल भी घिचपिच नहीं हो। काइंडली इस बात का ध्यान रखिए आप लोग कि आप लोगों की कॉपी नीट एंड क्लीन रहे, आप लोगों को अपना काम समझ में भी आए और आप लोगों को पता चले कि आपने कौन सा काम अपना कहाँ से स्टार्ट किया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मालूमात लिखें।
हमने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मालूमात लिखनी है। तो स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे, पहले तो आप लोगों ने कॉलम बनाना है। पहले आप लोगों ने ये सब लिखना है जो आपने जो बुक में ब्लू कलर बॉक्स में लिखा हुआ है। असल नाम, लकब, कुनियत, वालिद का नाम, वालदा का नाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त की उमर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी का अरसा, वफ़ात के वक्त उमर, ये सब हमने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मालूमात लिखनी है कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम क्या था, लक़ब क्या था, कुनियत क्या थी, वालिद का नाम क्या था, वालदा का नाम क्या था, उनकी उम्र क्या थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना अरसा रही, वफ़ात के वक्त की उम्र, ये सब हमने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मालूमात के बारे में लिखना है, के बारे में मालूमात हासिल करनी है और फिर उनको अपनी कॉपी में लिखना है। आप लोग दो कॉलम बनाएंगे जिसमें एक तरफ ब्लू बॉक्स में जो लिखा हुआ आप लोग वो लिखेंगे, देन उसके बाद आप लोग उसका जवाब लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करते हैं अपना काम। असल नाम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम क्या था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम खदीजा था, तो आप लोग खदीजा लिख देंगे बॉक्स में। उसके बाद लक़ब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब ताहिरा था, आपने ताहिरा लिख देना है उस बॉक्स में। आप ये काम कॉपी में करेंगे, बुक में नहीं करेंगे। कुनियत, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत क्या थी, उम्मे हिंद, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मे हिंद थी। वालिद का नाम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम क्या था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम ख़वेलद बिन असद था। तो आप लोगों ने जवाब लिखना है, जैसे मैंने इस कॉपी में इस बुक में के पेज में जैसे मैंने जवाब लिखा आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही उतारना है। वालदा का नाम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम क्या था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम फातिमा बिनते ज़ाहिदा था, हज़रत खदीजा की वालदा का नाम था फातिमा बिनते ज़ाहिदा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त उमर, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र क्या थी, उस वक्त उम्र थी 40 बरस, आपने 40 बरस लिख देना है बॉक्स में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी का अरसा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने अरसे रहीं, तो 25 बरस, सही जवाब है 25 बरस। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के वक्त उम्र, उनकी वफ़ात के वक्त उम्र क्या थी, 64 साल 6 माह, 64 ईयर्स 6 मंथ्स। तो ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मालूमात हैं जो हमने कलेक्ट करनी थी और हमने कर ली और हमने कॉपी में बुक में उतार ली। उसके बाद आप लोगों की बारी है कि आप लोगों ने अपना ये काम सफाई से करना है और बुक में उतारना है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि असल नाम खदीजा, लक़ब ताहिरा, कुनियत उम्मे हिंद, वालिद का नाम ख़वेलद बिन असद, वालदा का नाम फातिमा बिनते ज़ाहिदा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त उम्र 40 बरस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी का अरसा 25 बरस, वफ़ात के वक्त उम्र 64 साल 6 माह, 64 साल 6 माह, 64 ईयर्स 6 मंथ्स। स्टूडेंट्स ये आप लोगों का काम है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चैप्टर है उसका काम है ये, आप लोगों ने काम सफाई से करना है। और डोंट फॉरगेट, आप लोगों ने रीडिंग करनी है, भूलिएगा नहीं कि आप लोगों ने रीडिंग नहीं करनी, आप लोगों ने रीडिंग भी टाइम पर करनी है ताकि आप लोगों की स्पीकिंग स्किल जो है या आप लोगों की पढ़ने की स्किल जो है वो और इम्प्रूव हो। इन सब बातों का ध्यान रखना है, काम सफाई से करना है, इंक नहीं करना है कॉपी में, बिल्कुल सफाई से काम कीजिएगा, हर लफ्ज़ को सही से करके लिखिएगा अलग अलग ताकि समझ में आ सके कि इस लफ्ज़ का क्या लफ्ज़ बन रहा है। ठीक है, आप लोगों ने सारा काम करना है, फिर जो काम आपको मुझे समझ नहीं आता कि आपको ये समझ नहीं आ रहा काम, तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये काम करना है अपना और सफाई से काम कीजिएगा। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।